2014 का क्वेश्चन है और क्या कह रहा है, फेज मार्जिन निकालना है यूजिंग एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट। सो अगर ऐसे निकालने को कह रहा है, वो भी गेट गेट का एग्जामिनर, यानी कि इसी तरह से इजीली पॉसिबल होगा तभी कह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। सो ये आपका फंक्शन है। सो जी, अब इसको पहले क्या करना है, इसको बेसिकली आपको पहले टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सीक्रेट टाइम कांस्टेंट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, फिर इसको जे ओमेगा पुट करा तो ये हो गया। नाउ फेज मार्जिन पूछ रहा है। ठीक है, सो फेज मार्जिन यानी कि आपको क्या चाहिए, फेज मार्जिन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। सो इसका जो गेन है उसको इक्वेट करोगे 1 से तो आपको गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। बट इसका इसके गेन को आप इक्वेट करोगे 1 से तो ओमेगा क्यूब का फैक्टर बनेगा, और ओमेगा क्यूब के फैक्टर को सॉल्व करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए उसने ये ऐसे करने को कहा है, यूजिंग बॉडी प्लॉट निकालो। सो यहाँ पे इस केस में चूंकि नीचे कई सारे फैक्टर हैं, ऊपर कोई भी फैक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पे गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी निकालना इस तरीके से मुश्किल है। सो अब ये तो गेन क्रॉसओवर तो निकाली जा नहीं सकती यहाँ से। सो यहाँ पे फेज निकालते हैं, फेज होगा ये। ठीक है, सो ये फेज लिख दिया आपने। नाउ अब मैं बॉडी प्लॉट की तरफ बढ़ता हूँ। सो मैग्नीट्यूड टेबल में कॉर्न फ्रिक्वेंसी लिखो सबसे पहले, के इज इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, नाउ कॉर्न इसकी फ्रिक्वेंसी नील, नो एस कॉम्पोनेंट, सो कॉर्न ये कॉम्पोनेंट है ही नहीं। ठीक है, फिर अब आपको कॉर्नर फ्रिक्वेंसी ऑर्डर में लिखनी है। सो 0.1, 1 एंड 10, 0.1, 1 एंड 10। 0.1 किसकी वजह से है, 1 0.1 किसकी वजह से है, 1 प्लस 10 j ओमेगा की वजह से। ठीक है, इसको 1 प्लस TS फॉर्म में करोगे तो ये आएगा 1 प्लस 10 S। सो ये इसकी वजह से है, फिर ये किसकी वजह से है, 1 प्लस S की वजह से है, फिर ये किसकी वजह से है, 1 S प्लस 10 है, यानी कि 1 प्लस 0.1 S है। सो ये इसकी वजह से है। ठीक है, सो अब इसका बॉडी प्लॉट बनाते हैं। सो शुरुआत किससे होगी, 20 डेसीबल से होगी, 10 यानी कि मैग्नीट्यूड डेसीबल में प्लॉट करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सो 20 log 10 से मैग्नीट्यूड किस में लेना है, डेसिबल्स में। सो 20 log 10 यानी कि 20 डेसिबल हो गया। सो 20 डेसिबल्स यानी कि जीरो स्लोप की लाइन 20 डेसिबल पे कब तक प्लॉट करनी है, जब तक ये क्या नहीं हो जाता, ये पावर अप नहीं हो जाता। ठीक है, सो 0.1 तक जीरो स्लोप की लाइन 20 डेसिबल की बनानी है। ठीक है, 0.1 तक। अब 0.1 के बाद ये एनर्जाइज हो गया, 0.1 के बाद ये कितना चेंज लाएगा अपने स्लोप में, -20 का स्लोप है, जीरो स्लोप -20 यानी कि -20 स्लोप हो जाएगा। अब -20 का स्लोप हो गया, ये इस पॉइंट से -20 का स्लोप कब तक चलेगा, अप टू दिस कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। इस फ्रिक्वेंसी से पहले इसका कोई महत्व नहीं है, इस फ्रिक्वेंसी से पहले ये चलेगा। ठीक है, सो 0.1 से 1 तक ये चलेगा, कितने स्लोप की लाइन बनानी है, -20 log of ओमेगा है, यानी कि -20 है ना, -20 यानी कि -20 डेसिबल पर डेकेड की लाइन बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो ग्राफ पेपर नहीं है। सो -20 की लाइन बनानी है, अब ये ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो आपको देखना है कि 1 फ्रीक्वेंसी तक मेरे को ये -20 डेसिबल पर डेकेड की लाइन बनानी है। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 तक। सो ये जो लाइन है ये 1 फ्रीक्वेंसी पे ऊपर है, नीचे है, या यहाँ पे कट कर रही है, ये मेरे को देखना है। सो ये देखने के लिए आपको क्या देखना होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे आपको क्या देखना होगा, मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे मैग्नीट्यूड देखना है तो कैसे देखना होता है वो बताता हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू 1, ठीक है, पे ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे ये एनर्जाइज नहीं हुआ, इससे पहले वाले एनर्जाइज हैं। सो 20 log 10 और -20 log of 10 ओमेगा, ये इसका मैग्नीट्यूड है, -20 log of 10 ओमेगा। ठीक है, ये दोनों हैं ओमेगा 1 से पहले। सो इन दोनों का एडिशन होगा, बस ओमेगा 1 पे सिर्फ ये दोनों फैक्टर हैं तो इन दोनों का एडिशन करना है। सो 20 -20 log of 10 ओमेगा, ओमेगा को 1 पुट कर दिया तो ये कितना आएगा, 0 डेसिबल। सो यानी कि ये 0 डेसिबल पे कट करेगा, ऊपर है या नीचे है ये देखना था मेरे को। सो एग्जैक्टली इस पे आ गया ये। ठीक है, सो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया और ये -20 की लाइन होगी। ठीक है, इसको आप स्लोप से भी देख सकते थे, ये पॉइंट क्या है, 20 डेसिबल पे है
और ये फ्रीक्वेंसी है। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी पता है, मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकल जाता, क्योंकि आप इस लाइन का स्लोप जानते हो, तो स्लोप से भी निकल जाता। सो ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है, जहाँ पे कट कर रही है 0 डेसिबल है वो, तो 0 डेसिबल ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे। 0 डेसिबल का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू 1, ठीक है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 है, यानी कि ये क्या है, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी है। सो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी इसमें पुट कर दोगे तो क्या आएगा, फाइव आएगा। सो फाइव निकाल लिया, अब फाइव निकाल लिया तो फेज मार्जिन क्या होगा, 180 माइनस 135, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बॉडी प्लॉट को कंप्लीट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। 1 के बाद ये एनर्जाइज हो गया, अब स्लोप क्या होगा, -20 स्लोप चल रहा था, फिर -20 और ऐड हो गया, सो -40 हो गया। अब ये -40 चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक ये 10 है, ठीक है। सो 1 से 10 तक ये -40 चलेगा स्लोप ना। 10 पे ये कहाँ ख़त्म होगा वो मेरे को देखना पड़ेगा ना, ठीक है। सो 10 पे ये कहाँ ख़त्म हो रहा है वो मेरे को देखना है, ठीक है भैया। सो 10 पे क्या मैग्नीट्यूड है ये देखने के लिए आप क्या लगा सकते हो, एक तो स्लोप आपको पता है, स्लोप आपको पता है, यहाँ पे डेसिबल 0 डेसिबल है एट ओमेगा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 10 है, स्लोप पता है, तो ये पॉइंट डेसिबल में निकल जाएगा। सो स्लोप से भी निकल सकता है। और दूसरा शॉर्टकट क्या है कि ओमेगा इज इक्वल टू 10 पे निकालना है, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है। कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 10, 10 पे ये एनर्जाइज नहीं हुआ, सिर्फ ये फैक्टर्स हैं, तो इन फैक्टर को ऐड अप कर दो, ठीक है, इन फैक्टर को ऐड अप करो। सो ये आएगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 10, ये कितना आया, -40 डेसिबल आया, ठीक है। सो ये पॉइंट क्या होगा, -40 डेसिबल होगा, ठीक है। अब ये -40 डेसिबल, उसके बाद ये एनर्जाइज हो जाएगा, सो फिर से -20 आ गया स्लोप। सो -40 और -20 और ऐड हो गया, तो यानी कि -60। सो -60 स्लोप की लाइन जाएगी कहाँ तक, इन्फिनिटी। सो हाई फ्रिक्वेंसी एसिम्प्टोट इज -60, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी एसिम्प्टोट कैसे निकलेगी भैया, ये -20 -20 -20, यानी कि -60 होगा हाई फ्रिक्वेंसी एसिम्प्टोट, ठीक है ना। अब आपको क्या दिखाई दिया, ये जो है ओमेगा इज इक्वल टू 0 फ्रिक्वेंसी के लिए, मतलब ये क्या है, 0 फ्रिक्वेंसी के लिए गेन कितना है, 20 डेसिबल्स में, 20 डेसिबल्स में, ठीक है। सो 0 फ्रिक्वेंसी के लिए ये क्या है, टाइप 0 सिस्टम है। टाइप 0 सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग स्लोप 0। सो ये पहला यहाँ से ऑब्जर्वेशन है, सो स्टार्टिंग स्लोप 0, यानी कि टाइप 0 सिस्टम। अब टाइप 0 सिस्टम में KVKA कितना होता है, 0 होता है, और जो गेन होता है वो क्या होता है, KP होता है, K इज इक्वल्स टू KP। इस केस में K क्या है, K इज 10, ठीक है। सो 20 log KP इज 10, KP इज इक्वल्स टू 10, ठीक है भैया। नाउ ध्यान रखना, ये जो है डेसिबल्स में है, ठीक है, ये जो गेन है दैट इज KP इन डेसिबल्स। सो 20 log KP, ठीक है, KP इन डेसिबल्स क्या होगा, 20 log KP, और ये है 20 log KP इज 20 डेसिबल्स। सो KP कितना होगा, 10 होगा, और KP कितना है, 10 ही है, ठीक है। सो ये कैसे पता लगा, जीरो स्लोप, जीरो स्लोप का मतलब ये क्या है, DC गेन है, जीरो फ्रिक्वेंसी गेन है, और जीरो फ्रिक्वेंसी गेन क्या होता है, KP इन डेसिबल इज 20 डेसिबल। KP इन डेसिबल को क्या लिखोगे, 20 log KP। सो 20 log KP इज 20 डेसिबल्स। सो KP कितना हुआ, 10। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गेट के हिसाब से सॉल्व कैसे करा जाएगा, पूरा बॉडी प्लॉट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने ये फैक्टर लिखना है बस, ठीक है, ये फैक्टर भी पूरे मत लिखना। पहला फैक्टर क्या है, K इज इक्वल टू 10, 20 log 10, 20 डेसिबल की लाइन खींचनी है, कब तक, 0.1 तक। सो 0.1 तक खींच दी, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, 0 डेसिबल पे कब कट करेगा बस, क्योंकि मेरे को गेन क्रॉसओवर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। अभी तक इसने 0 डेसिबल को कट नहीं किया, उसके बाद 0.1 आती, ये एनर्जाइज हो गया, उसके बाद क्या होगा, स्लोप हो गया -20। सो -20 स्लोप। अब मैंने देखा कि ये कहाँ कट करेगा, और ये कट कर गया, इसी पे कट कर गया, ठीक है। ये 0.1 से 1 तक ये है, ये भी एनर्जाइज नहीं हुआ, और ये 1 पे ही क्या कर गया, कट कर गया, ठीक है। सो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे ही मोस्ट केसेस में 0 डेसिबल आ जाएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो,
ठीक है। नाउ डायरेक्टली क्या निकल गया आपको, क्या मिल गया? सो 0 डेसिबल कहाँ मिल गया? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे ही मिल गया। बस आपको ये कट देखना था, इसके बाद क्या प्लॉट है आपको मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 20 माइनस 20 की लाइन खींची, ये 0 पे कट कर गया और ये 0 पे कट कर गया, ये देख लिया ये 0 पे कट कर रहा है, ठीक है। आपको तो ये देखना कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे कहाँ था, ये ऊपर था नीचे था ये देखना था, ठीक है। ऊपर होता फिर तो अगली लाइन के लिए देखते कि कट कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। सो आपको तो देखना था कि ये कट कहाँ कर रहा है अभी, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे ये ऊपर है, ये पॉइंट जो है स्लो, ये जो लाइन थी ये नीचे आना है, ठीक है। सो आपको 1 पे मैग्नीट्यूड देखना था, और 1 पे मैग्नीट्यूड क्या निकल गया, अपने आप ही 0 निकल गया। सो इसलिए ये 1 क्या हो गया, गेन क्रॉस ओवर, और गेन क्रॉस ओवर पे फाई निकाला, और फाई क्या हो गया, फेज मार्जिन हो गया फाई से, 180 प्लस फाई, ठीक है। सो यहाँ बस ये ध्यान देने वाली चीज़ है, स्टार्टिंग स्लोप इज 0, यानी कि टाइप 0 सिस्टम, एंड दिस गेन इज केपी इन डेसिबल, सो 20 log KP इज इक्वल टू 20 डेसिबल्स।